थोड़ा निकल रही हूँ, कल करवा चौथ है तो उसके लिए कुछ सामान लाना है, तो करवा चौथ का सामान लेने जा रही हूँ। आप लोगों से बाद में मिलूंगी। ये है चाय बगान गुरुद्वारा के पास ही। ये जगह मुझे बहुत पसंद है, ये रास्ता यहाँ शाम को आने से अच्छा लगता है। तो अभी निकले हैं, थोड़ा घूमेंगे भी और सामान भी लूंगी मैं। आज बाबू नदी भी गया था, हमारे घर के पास ही है नदी, मेरे ससुराल के पास ही नदी है, वहाँ जाके पूरा चिल आउट किया और बहुत खुश हो गया नदी देख के। भाई देखिए देखिए के अंदर। हम एयरफोर्स स्टेशन में आ गए हाशिमाड़ा उसके अंदर, और यहाँ पे देखिए मेला लगा है। ये मेला किस लिए लगा है? करवा चौथ का ही है ऐसे।
ऐसे करो इसको, देखो ऐसे पकड़ो इसको, नीचे करो। बस हो गए, अब निकल रहे हैं, सामान भी मिल गया करवा चौथ को। फ्रेंड्स, जैसे तैसे मेहंदी लगाया, अभी बिल्कुल एनर्जी नहीं है, टायर्ड लग रहा है, तो बहुत टायर्ड हूँ, तो जैसे तैसे मेहंदी लगाया, डिज़ाइन अच्छा नहीं है, बस काम चला हुआ है, अभी लगाना है करवा चौथ पे, तो लगाया, काम चला मेहंदी, और यहाँ ख़राब भी हो गया, यहाँ डिज़ाइन मेरा बिगड़ भी गया, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है, अब मेहंदी लगाते हुए दूसरे हाथ में भी लगा लेती हूँ जल्दी, फिर सो जाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, मैं नहा के आ गई, आज है करवा चौथ, आज है 24th of October, आज है संडे, मेरा मेहंदी देखिए डार्क होगा, अभी धीरे धीरे डार्क होता है, दोनों हाथ में दिखा देती हूँ। तो बस अभी थोड़ा पूजा जो करूँगी शाम को उसकी तैयारी अभी से कर लेती हूँ, सुबह से ही थोड़ा तैयारी कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा काम करके रख देती हूँ, फिर तो शाम को पूजा ही है। ये देखिए मेहंदी, तो बस अच्छा खासा है, और ये मेहंदी, ये वाले हाथ की मेहंदी मेरे हबी ने पहनाई है, क्योंकि लेफ्ट हैंड से पहनने में बहुत दिक्कत होता है ना, तो वही है। ठीक है, फिर आशा करती हूँ आप सबका करवा चौथ अच्छा जाएगा, सभी को हैप्पी करवा चौथ, जो करवा चौथ मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो उन सभी लेडीज़ को हैप्पी करवा चौथ, कपल्स को हैप्पी करवा चौथ, और आपका करवा चौथ अच्छा जाए, आशा कर, और मेरा भी करवा चौथ अच्छा जाए। ठीक है, बाद में मिलती हूँ आप सबसे, और सब कुछ शेयर करूँगी, और ये मेरा पहली बार, मतलब इन लॉज के घर से करवा चौथ हो रहा है, ये मेरा 8th time है, 8 years रनिंग है करवा चौथ का, क्योंकि करवा चौथ मैंने शादी के 1 साल बाद शुरू किया था, एक पहले साल नहीं किया था, तब मुझे पता नहीं था कैसे क्या करते हैं, फिर उसके नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट किया था, तो ये मेरा 8th year है करवा चौथ का, 8th time, और ससुराल में पहली बार रह रही हूँ करवा चौथ पे, पहले कभी ऐसा मौका हुआ नहीं रहने का करवा चौथ पे, तो ठीक है, बाद में मिलते हो आप सबसे, चलिए फिर बाय। यहाँ पे सब करवा चौथ का सामान रखा है, बाद में सब तैयारी करूँगी, और लक्ष्मी पूजा हुआ था यहाँ पे, वो है अभी, ये है करवा चौथ का सामान सब यहाँ पे रखा है।
तो बस अभी रेडी हो रही हूँ, मतलब रेडी क्या, बस साड़ी पहन लूँगी, बस हो गया, अब मेकअप मेरा हो गया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सजने वाली, और बस इतना ही, और बस अभी साड़ी पहन लूँगी, तो आप लोगों से बाद में मिलती हूँ फुल लुक के साथ, है ना। और एक बात, मुझे बहुत मन था इस साल अलीपुरद्वार में, एक मेरी छोटी बहन है, मतलब बहन जैसी है, बोनीशिका, तो बोनीशिका दास गुप्ता, उस बहुत अच्छा मेहंदी पहनाती है, उसके यूट्यूब में भी चैनल है बोनीशिकाज क्रिएशन करके शायद, तो आप लोग वो चैनल फॉलो कर सकते हो, वो बहुत अच्छा मेहंदी लगाती है, वो मेहंदी आर्टिस्ट है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मन था इस बार करवा चौथ में उससे मेहंदी लगवाने का, लेकिन हाशिमाड़ा ससुराल आ गई यहाँ पे, वो आके नहीं लगा सकती, तो इसलिए फिर उससे लगवाना नहीं हुआ। अब देखते हैं अगर दिवाली विवाली में पॉसिबल होता है तो, पर होता नहीं एक्चुअली, मेन करवा चौथ में ही मेन मन था मुझे मेहंदी लगवाने का उससे, वो बहुत अच्छा मेहंदी लगाती है, बट मजबूरन अब क्या करूँ, पर हाशिमाड़ा में मुझे नहीं पता कोई मेहंदी आर्टिस्ट है कि नहीं जो बोनीशिका जैसी अच्छी, मतलब अच्छा मेहंदी लगाती हो, तो वही है, तो फिर खुद ही लगाया, और क्या करूँ, चलो काम चलाओ है, कलर भी अच्छा है, हर साल कलर अच्छा ही आता है मेहंदी का, तो यही है। चलिए फिर रेडी हो जाती हूँ जल्दी। ओके फ्रेंड्स, मैं अभी रेडी हो गई हूँ, देखिए फुल लुक अभी कैसे दिखाओ देखती हूँ। और मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है एक्चुअली, मैं साड़ियाँ जो ले आई हूँ, एक कभी ब्लाउज पीस नहीं लाई, मुझे लग रहा था मैं तो सब लेके आई, ब्लाउज मैंने बनवा भी लिया था टेलर से, लेकिन एक भी नहीं घुसाई, बस वो दो जो एक्स्ट्रा खरीदे थे वो लाई थी, तो इसका जो ब्लाउज है वो लाई नहीं, तो चलो अभी वैसे ही काम चला रही हूँ और क्या करूँ, यही है, इसका मैचिंग ब्लाउज नहीं है, वो लाना ही भूल गई मैं, घुसाना ही भूल गई। यहाँ पे मैं शाम की पूजा कर रही हूँ, इस साल शाम का शुभ मुहूर्त था 5:59 से 6:59 जहाँ तक मुझे याद है, सो मैंने इसी टाइम लिमिट के अंदर पूजा अपना कर लिया था। एंड यहाँ पर मैं इस व्लॉग में इस बार पूजा की विधि वगैरह शेयर नहीं करी डिटेल्स में, तो फिर व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने अपने पिछले साल वाले करवा चौथ के व्लॉग में विधि वहाँ पे शेयर कर रखा है पूजन का शाम वाली, और हाँ वहाँ पे मैंने चंद्र अर्घ का उतना डिटेल्स में विधि शेयर नहीं किया है, बस मैंने पूजन का किया है, सो आप जाके वो देख सकते हो। एंड इस ब्लॉग में मैं बस करवा चौथ कर रही हूँ और बाकी सब मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन पूजा विधि नहीं शेयर कर रही। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा देख के। एंड मैं बंगाली हूँ फिर भी मैं करवा चौथ का व्रत रखती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगती हो तो करनी चाहिए, है ना। ये मैटर नहीं करता कि आपके कास्ट में ये रिचुअल है या नहीं, आप बंगाली हो, हम बंगालीज में ये रिचुअल नहीं होता, बट अगर आपके मन में इच्छा है करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं तो करती हूँ, 8 साल हो गए और मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने मन से करती हूँ। और विधि वगैरह मुझे भी उतना 100% पता नहीं है, मुझे भाभी ने दिखाया था, यूपी वाली भाभी ने, तो मैं यूपी स्टाइल में करती हूँ, यूपी के जो विधि होते हैं रीति रिवाज होते हैं उस स्टाइल में करती हूँ, पंजाब के लोग अलग स्टाइल में करते हैं, बिहार के लोग अलग, उनका रीति रिवाज होता है। तो आप किसी को किसी से कंपेयर मत कीजिए, हर क्षेत्र का अलग अलग विधि होता है, उनका रिचुअल्स अलग होता है, पूजन का विधि अलग होता है,
एंड और एक बात मैं बोलूँगी, मुझे तो तकलीफ़ नहीं होती करवा चौथ के व्रत में, मुझे तकलीफ़ नहीं होती। प्यास तो लगती है, गला सूखता है, लेकिन हाँ मुझे भूख वगैरह नहीं लगता है, पूरे दिन भूखी प्यासी रहती हूँ, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होता। और इस साल तो मेरा करवा चौथ और अच्छे से हुआ है, क्योंकि मुझे ना ही घर में काम करना पड़ा, मेरी सासू माँ ने उस दिन सब खाना वाना बना लिया था, तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। हालाँकि हर साल तो मैं घर जब बनाती हूँ करवा चौथ, बाहर ही रहती हूँ, तो मुझे सब कुछ करना पड़ता है, घर में भी हस्बैंड और बेटे के लिए खाना वाना बनाना पड़ता है, सब काम करके फिर मैं व्रत भी रखती हूँ। तो उस टाइम थोड़ा तकलीफ हो जाता है गर्मी में, लेकिन इस बार मुझे कोई तकलीफ हुआ ही नहीं करवा चौथ के व्रत में, तो मैंने बहुत ही आराम से कर लिया अपना व्रत। और बस आप लोग ये व्रत देखिए, आप लोग भी अगर कोई चाहते हो व्रत रखना तो ज़रूर आप लोग स्टार्ट कर सकते हो करवा चौथ का व्रत। मैं जब शुरू की थी तब मेरे जानने पहचानने वालों में मैंने किसी को नहीं देखा था ये व्रत करते हुए, ना ही फ्रेंड सर्कल में, और तब इतना नहीं था आज से 8 साल पहले, लेकिन 1-2 साल से अभी बहुत कोई रखने लगे है करवा चौथ का व्रत। मेरी भी 1-2 फ्रेंड मुझसे रिचुअल्स पूछ के स्टार्ट की है करवा चौथ का व्रत करना। तो मैं सभी को बोलूँगी, अगर आप लोग करना चाहते हो करवा चौथ का व्रत, अब ज़रूर कीजिए। आप लोग मेरा वीडियो भी फॉलो कर सकते हैं पिछले साल वाला, आप अगर किसी को जानते हो तो आप उनसे भी पूछ सकते हो रीति रिवाज वगैरह, या आप YouTube में भी आपको बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे मिल जाएंगे करवा चौथ के पूजन से रिलेटेड, चंद्र अर्घ से रिलेटेड, तो विधि वगैरह आप वहाँ पर भी देख सकोगे, ठीक है। सो बस मेरे इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए एना। ओके फ्रेंड्स, तो पूजा हो गया है मेरा, और अभी चांद का इंतज़ार है, चांद निकलेगा तो बस अर्घ चंद्रमा को अर्घ देके अपना व्रत तोड़ लूँगी। आशा करती हूँ सबका करवा चौथ अच्छा जा रहा है, ठीक है, बाद में मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 25 तारीख, कल था करवा चौथ, फिर मैं व्लॉग एंड करना ही भूल गई, आज सुबह व्लॉग फिर एंड करूँगी सोचा, तो कल था करवा चौथ। आई होप सबका अच्छे से गया हो, मेरा भी अच्छे से गया करवा चौथ। और अभी मेरे सास ससुर चले गए, वो लोग सर्विस करते हैं तो वो ऑफिस चले गए। अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में कुछ खास नहीं, मैगी बना रही हूँ, फ्राइड मैगी, एंड लंच बनाऊंगी लंच में, तो कर लेती हूँ सब जल्दी जल्दी, भी पहले ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ।
अभी 10:30 बज रहा है और मेरा लंच बन के तैयार है। माँ भात बना के गई, मतलब जो चावल वो हॉटकेस में रखी गई है, एंड मेरा माँ चौचौड़ी और चिकन बन गया। 10:30 बज रहा है, सुबह से अर्ली मॉर्निंग बन गया, मतलब जल्दी बन गया, ठीक है टाइम से यहाँ पे। और ब्रेकफास्ट भी हो गया, तो आप लोगों ने तो देखा ही। अभी बस नहाने चली जाऊंगी और कल करवा चौथ का जो सामान है, जो पूजा की थी, वो सब अब समेट के, तो वो ये आज सब समेट लेती हूँ और नहा के आऊंगी, उसके बाद सब समेट लूंगी और उसके बाद वो सब समेट के एक पैकेट में भर के रख दूंगी और कल वो सब बाद में मिलती हूँ। ओके फ्रेंड्स, अभी शाम हो गया है और पूरा दिन ब्लॉग नहीं की, फिर खाना वाना खाने के बाद या खाना बनाते टाइम ही किया था। अभी शाम हो गई है, अभी थोड़ा निकलेंगे। एक्चुअली प्लान था मम्मी पापा को लेके, थोड़ा यहाँ पे एक ढाबा है वहाँ पे, यहाँ पे रेस्टोरेंट उतना अच्छा नहीं है हाशिमाड़ा में हमें जितना पता है, तो यहाँ पे एक 3-स्टार ढाबा है, तो वहीं जाते फैमिली को लेके। और फ्रेंड को भी बुलाया था, धीरू एंड रत्ना हमारे फ्रेंड है क्लोज, लेकिन धीरू की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो लोग भी नहीं आ पाएंगे। और मम्मी पापा को बोल रहे हैं चलने के लिए, लेकिन वो लोग, उनको उतना पसंद नहीं है सब जगह जाना, तो वो लोग नहीं जाना चाहते। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं बाबू को लेके, और मम्मी पापा बोले आप लोग हो आओ और वहीं से खाना कुछ पैक करके ले आना, तो वही है, तो वो लोग भी नहीं जाएंगे। एक्चुअली इन लोगों का ऑफिस भी था पूरा दिन, तो थक गए हैं और जाने का मन भी नहीं है उनको, तो बहुत बोला पर नहीं जाएंगे, वो लोग जाते भी नहीं है रेस्टोरेंट वगैरह, यही है। तो हम दोनों ही अभी चलते हैं और फिर वहाँ से खाना पैक करके ले आएंगे। तो ठीक है, जल्दी फिर रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। ओके रेडी हो गई, बस यही उसी दिन का ड्रेस रिपीट किया आज फिर से। बाबू आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अरे की बोले, मुझे पैसा आ गया, पैसा आ गया, मेरा पैसा आ गया, की सब बोले, मैंने बोले ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना और बेपट्टे रुकों में। ओके तो ये यहाँ का है 3-स्टार ढाबा, कुछ खास नहीं है, आइटम्स भी लिमिटेड है, पर यही है यहाँ पे सामने, तो इसी में आए खाने, अब जो भी है वही है। और मम्मी पापा को भी लाना चाहते थे, वो लोग नहीं आए, तो उनके लिए खाना पैक करके ले जाएंगे और हम यहीं पे खा लेंगे, ठीक है, फिर बाद में मिलती हूँ। आइए आइए, अभी वेट कर रही हूँ खाने का, दूंगी फोन रुको। खाना ऑर्डर कर दिया था, फिर बाद में हमने माइंड चेंज कर लिया और स्नैक्स ऑर्डर किया, चिकन पकोड़ा एंड ये तंदूरी आइटम। मम्मी पापा को भी फ़ोन किया था लेकिन वो लोग नहीं खाना चाहते थे, मेरी सास पोल्ट्री चिकन नहीं खाती है, तो उन्होंने मना ही कर दिया था एकदम नॉन वेज लेने से, चिकन बाहर से, और यहाँ पे फ़िश अवेलेबल नहीं था। देन फिर भी हम एक चिकन कौशा आइटम लेके गए थे एंड स्नैक्स खा के निकल गए एंड खाना पैक करवा लिए थे। और ये गुरुद्वारा का व्यू देखिए रात के टाइम। ओके फ्रेंड्स, तो घर आ चुके हैं, डिनर भी हो चुका है, हम लोग और रेस्टोरेंट में डिनर नहीं किए, वहाँ पे बैठे थे डिनर करेंगे सोचे थे, पर टाइम लग रहा था बोल के हमने बोला पैक कर दीजिए, फिर खाना सब लेके आ गए। और यहीं पे मम्मी पापा हम सब साथ में खाना खाए, डिनर किए एक साथ, खाना ओके था, उतना अच्छा नहीं था, बट आइटम बहुत सारा लाई थी, मिक्स वेज लाई थी, दाल लाई थी, नान, बटर रोटी, बटर नान, फिर दाल तड़का और पनीर, बटर पनीर, और एक चिकन कौशल आई थी, और मिठाई खाना था, इट्स ओके। तो यहाँ पे जैसे होगा, एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा अच्छा, तो ये चलो सबने मिलके खाना खाया, अभी बस बैठी हूँ खाना खाते, ठीक है चलिए मिलते हैं बाद में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, नेक्स्ट ब्लॉग एक्साइटिंग होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड इन माय चैनल, टिल देन टेक केयर, बाय।